हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम एससीईआरटी की क्लास 6 की आईसीटी बुक के इस कंप्लीट कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं। आईसीटी की फॉर्म होती है फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 के आईसीटी बुक के सभी 8 चैप्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 6 से क्लास 9 तक के बच्चे इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में बताए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी होमवर्क की कॉपी में करें और बाकी अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो को अच्छे से देखें और इस वीडियो में बताए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझें और नोट्स बनाएं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं ले चलता हूँ आपको हमारे कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पर, जहाँ पर हम क्लास 6 की बुक के सभी 8 चैप्टर को अच्छे से समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास 6 के आईसीटी की बुक का मेन पेज है। इसका आपको मेन पेज कुछ इस तरीके का नज़र आता है। यहाँ पे आईसीटी के फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद में फ्रेंड्स, ये कोर्स कंटेंट है। इस कंटेंट में कुल आपको 8 चैप्टर मिलते हैं। इन 8 चैप्टर को हम इस वीडियो में देखेंगे और इन सभी यूनिट्स पर हमने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। आप वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के लिंक पर क्लिक करके आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वन बाय वन करके सभी यूनिट्स को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर फर्स्ट। फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने CPU, मदरबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस और मेमोरी और माईपेंट जैसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया है, जिन्हें आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वो आप वहाँ से भी इन वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आप यहाँ पे याद रखे वाली सभी पॉइंट्स अपनी कंप्यूटर के होमवर्क की कॉपी में लिख लें। फर्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई गई है, जिसमें आपको बताया गया है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर करके उसको मैनिपुलेट करने में हमारी मदद करता है और उसको दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और CPU की भी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। इनपुट यूनिट फ्रेंड्स, वह यूनिट होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करवाते हैं। इस भाग में कंप्यूटर में डाटा एंट्री और आदेश दिया जा सकता है, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि। आउटपुट यूनिट फ्रेंड्स, वह यूनिट होते हैं जो प्रोसेस्ड किए हुए डाटा को आउटपुट करते हैं, मतलब डिस्प्ले पे दिखाते हैं, जैसे कि मॉनिटर है और प्रिंटर है। फ्रेंड्स, वैसे CPU की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग दिमाग हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सारे निर्णय CPU लेता है। फ्रेंड्स, स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में सबसे पहले प्रोग्राम जो शुरू होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी शुरू होता है तो बूटिंग होती है। बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन सभी फीचर्स के बारे में हमने पहले वाली वीडियो में भी समझ लिए, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, जैसे विंडोज, लिनक्स, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है और ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंड्स, उपयोगकर्ता मतलब यूजर और कंप्यूटर के बीच की एक कड़ी है, जो कि यूजर से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर के उत्तर को यूजर तक पहुंचाती है। ये प्रोग्रामों का एक समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। ये सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम को एक्टिव करता है और सुयोग्य माहौल बनाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम नहीं करता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। इसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पे ICT की फुल फॉर्म आपको बताई गई। ICT की फुल फॉर्म होते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद में फ्रेंड्स, 9th पॉइंट है, ICT अनेक सूचना और संपर्क तकनीकियों का समागम है, जिसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को एक बेहतर और प्रभावशाली तरीके से खोज कर प्रस्तुत किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वहीं 10th पॉइंट है, भौतिक एवं वास्तविक उपकरण जिनको हम देख कर और छू कर महसूस करते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हार्डवेयर की डेफिनेशन आपको बताई गई है। हार्डवेयर वह डिवाइस होते हैं जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जिसे हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर की वजह से ही कंप्यूटर एक्टिव होता है और कंप्यूटर काम करता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको 11th पॉइंट्स में
सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताई गई है। ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फ्रेंड्स 12 पॉइंट में कंप्यूटर में सूचना पहले अस्थायी रूप से संग्रह होती है जिसको बाद में जरूरत के अनुसार हम स्थायी बना सकते हैं, इसको प्राइमरी स्टोरेज यूनिट कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है यहाँ पे जो भी कंटेंट हम स्टोर करते हैं वो अस्थायी स्टोर होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है फ्रेंड्स रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। वहीं फ्रेंड्स सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में हम डाटा को परमानेंट स्टोर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के एग्जांपल हार्ड डिस्क सीडी डीवीडी पेन ड्राइव। फ्रेंड्स इनमें जो भी हम इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं वो परमानेंट सेव होती है। फ्रेंड्स 15th पॉइंट है माई पेंट, एक सिंपल ड्राइंग एवं पेंटिंग का प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स माई पेंट सॉफ्टवेयर में हमने पिक्चर्स को एडिटिंग करना सीखा, पिक्चर्स के अंदर हमने नाम लिखना सीखा और पिक्चर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर देना सीखा, पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव करना सीखा, रिसाइज करना सीखा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप माई पेंट वाला वीडियो देखकर इसका और रिवीजन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स फर्स्ट चैप्टर में आपको ये 15 पॉइंट्स मिलते हैं, इनको आप अपने कंप्यूटर के होमवर्क की कॉपी में लिख लें और इनको अच्छे से लर्न कर लें। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड चैप्टर में। फ्रेंड्स सेकंड चैप्टर में हमने प्रोग्रामिंग 01 पढ़ा। प्रोग्रामिंग 01 में फ्रेंड्स हमने MSW लोगो पढ़ा। यहाँ पे जो टूल हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड उसका नाम है MSW लोगो। MSW की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट विंडो और लोगो की फुल फॉर्म होती है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। तो फ्रेंड्स चैप्टर 2 के हम याद रखे वाले बिंदु देख लेते हैं जो कि हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं और हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप अपनी क्लास की प्लेलिस्ट में जाके MSW लोगो के जो दो वीडियो हैं उन दोनों वीडियो को आप अच्छे से देख लें। फ्रेंड्स लोगो की फुल फॉर्म होते हैं लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। जब फ्रेंड्स हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो इसके ग्रुप को हम प्रोग्राम कहते हैं और इस एक्टिविटी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। कंप्यूटर में काम लेने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा का उपयोग करते हैं। लोगो में प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस एक कमांड होता है, कमांड के क्रमानुसार ही टर्टल घूमता है या रेखा बनाते चलता है। 7th पॉइंट है फ्रेंड्स टर्टल के चलने की माप की इकाई पिक्सल होती है। इसको आपको जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है टर्टल के चलने की इकाई क्या है पिक्सल। सबसे छोटे प्रकाशित होने वाले वर्ग को हम क्या कहते हैं पिक्सल। पिक्सल एक सबसे छोटा पॉइंट होता है जो कि डिस्प्ले पर नजर आता है उसे हम क्या कहते हैं पिक्सल कहते हैं। लोगों में मुख्यतः दो तरह की कमांड होती है, एक होती है मूव कमांड और एक होती है टर्न कमांड। फ्रेंड्स आगे चलने के लिए हम फॉरवर्ड कमांड का यूज करते हैं और पीछे आने के लिए हम बैकवर्ड कमांड का या BK का यूज करते हैं। फ्रेंड्स बाएं मुड़ने के लिए हम लेफ्ट और फिर यहाँ पे एंगल लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम LT भी लिख सकते हैं। LT की फॉर्म होती है लेफ्ट टर्न और दाएं मुड़ने के लिए हम राइट टर्न या शॉर्ट में RT भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स 10 पॉइंटर लोगों से ज्यामिति आकृति बनाई जा सकती है। लोगों शुरू होने पर त्रिभुज आकार का टर्टल दिखाई देता है। तो टर्टल यहाँ पे कैसे दिखाई देता है ट्रायंगल जैसा दिखाई देता है। तो आपको ये याद रखना है टर्टल कैसे दिखाई देता है ट्रायंगल जैसा त्रिभुज आकार जैसा दिखाई देता है। फ्रेंड्स यहाँ पर 11 पॉइंट है लोगों की PR या प्रिंट कमांड से हम कैलकुलेशन भी की जा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको लोगों में कैलकुलेशन करनी है तो आप कौन सी कमांड यूज करते हैं प्रिंट कमांड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं PR कमांड, या वो लर्न होना चाहिए। फ्रेंड्स इसके बाद में 12 पॉइंट है HD कमांड से टर्टल छुप जाता है। HD की प्रूफ होते हैं हाइड टर्टल, ठीक है। वैसे ही ST कमांड से टर्टल शो होता है क्योंकि टर्टल ST की फुल फॉर्म होती है शो टर्टल। वैसे CS जो कमांड होते हैं फ्रेंड्स CS की फुल फॉर्म होती है क्लियर स्क्रीन, तो इसका मतलब CS कमांड क्या काम करेगी स्क्रीन को क्लियर करने का काम करती है। रिपीट कमांड में फ्रेंड्स जो इंस्ट्रक्शन सब लिखते हैं ब्लॉक्स में जो इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो रिपीट कमांड का क्या काम है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने का। प्रिंट कमांड का क्या काम है फ्रेंड्स कैलकुलेशन करने का। तो ये सभी 16 पॉइंट्स आपको सेकंड चैप्टर में लर्न करने हैं और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए फ्रेंड्स आप MSW लोगों के दोनों वीडियो और अच्छे से देख लें। इसके बाद में फ्रेंड्स हम चैप्टर 3 देखते हैं। फ्रेंड्स इस चैप्टर के लिए हम जो टूल यूज करते हैं वो है गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और भी आप ब्राउजर यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स याद रखें मैं फर्स्ट पॉइंट है इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का एक जाल है। इंटरनेट में फ्रेंड WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक विश्व सूचना प्रणाली है जिसमें पूरे विश्व के सूचना संयंत्र आपस में जुड़े रहते हैं जिनको हम इंटरनेट की सहायता से प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट है इंटरनेट पर मौजूद फाइल्स और पेज को हम वेब पेज कहते हैं जिनमें टेक्स्ट चित्र लिंक्स साउंड वगैरह वगैरह सभी स्टोर होते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, एक विषय के सारे वेब पेजेस के जो ग्रुप होते हैं उन वेब पेजेस के ग्रुप को हम वेबसाइट कहते हैं। फ्रेंड्स वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। फ्रेंड्स सिक्स पॉइंट है, इंटरनेट पर मौजूद हर संसाधन का एक अनोखा पता होता है जिसको हम URL कहते हैं। URL की फॉर्म होती है फ्रेंड्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो फ्रेंड्स ये सभी सिक्स पॉइंट आप अपने कंप्यूटर के होमवर्क की कॉपी में लिख लें और इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो हैं उनको आप एक बार ज़रूर देख लें। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है फोर, जिसमें हम डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 01 के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम जो टूल यूज़ करते हैं वो है हमारे एक्सेल। फ्रेंड्स एक्सेल में हमने कुल 6 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं और उसके अलावा 2 वीडियो जिनमें MCQs हैं वो भी हमने आपको प्रोवाइड कराया है। आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या फिर आपकी क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन 6 वीडियो को और जो 2 वीडियो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हैं उन 2 वीडियो को अच्छे से देख लें, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमने आपको एक्सेल शीट बनाना, सेल, रो, कॉलम सब के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है। और इस यूनिट में फ्रेंड्स हमने आपको स्प्रेडशीट बनाना, मार्कशीट बनाना, डेटा स्टोर करना, डेटा मर्ज करना, मैक्रो लगाना, कैलकुलेशंस करना, फ्रेंड्स कंडीशंस लगाना जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हमने आपको बताया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम इसके याद रखे पॉइंट्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स याद रखे में फर्स्ट पॉइंट है, हर वस्तु की पहचान के लिए उसके एट्रीब्यूट की इकाई वैल्यू होती है जिसे हम डाटा कहते हैं। डाटा के प्रकार होते हैं जैसे टेक्स्ट हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, डेट हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं, वीडियो हो सकती है, ये सभी डाटा के टाइप है। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट है, स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डाटा को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। फ्रेंड्स सेल जो होता है वो रो और कॉलम के मेल से बनता है, ठीक है, ये हमने उसमें हमारे वीडियो में लास्ट में देखा था कितने कॉलम होते हैं कितने रो होते हैं और इनके सभी की कॉम्बिनेशन को हम सेल कहते हैं। फ्रेंड्स जो फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम इक्वल सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम इक्वल लगाते हैं, ये आप सब याद रखना। फ्रेंड्स सिक्स पॉइंट है, फॉर्मूला को दूसरे सेल्स में कॉपी करने के लिए हम फिल हैंडल टूल का यूज करते हैं। स्प्रेडशीट के फंक्शन जैसे सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट इत्यादि फंक्शन के प्रयोग से हम डाटा को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अपने कंप्यूटर के होमवर्क की कॉपी में लिख लें और जो आपकी क्लास की प्लेलिस्ट में जो वीडियो दिए गए हैं आप उनको देखकर इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लें। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिफ्थ, जिसमें हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 02 के बारे में सीखा है। फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमने माइंड मैप जैसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में सीखा है। फ्रेंड्स माइंड मैप के ऊपर हमने पहले ही बहुत अच्छा एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दिया है, आप उस वीडियो को ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप अपनी क्लास की प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक अवेलेबल है वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम जो टूल यूज कर रहे हैं वो है टूल VUE Environment। VU की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स विजुअल अंडरस्टैंडिंग Environment। आइए फ्रेंड्स इस चैप्टर के हम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं याद रखे वाले बिंदु उनको हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स इस चैप्टर में टोटल 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने कंप्यूटर का होमवर्क की कॉपी में लिख लें। फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी विषय को चित्र के रूप में बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें हम नोड, लिंक और टेक्स्ट कहते हैं। नोट बनाने के लिए सेप ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है। लिस्ट के द्वारा हम अलग अलग तरह की लाइन बना सकते हैं। टेक्स्ट के द्वारा हम अपने विषय को अच्छे से समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। फ्रेंड्स VUE की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताई गई विजुअल अंडरस्टैंडिंग Environment, जो कि मैपिंग करने का एक टूल है। फ्रेंड्स माइंड मैप का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करना या चित्र के रूप में उसको बनाकर समझाना, ठीक है। यहाँ पे ए माइंड मैप इज ए डायग्राम टू विजुअली ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे 7 पॉइंट है, फ्री हैंड टूल। माइंड मैप को VUE स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे हम फ्री हैंड टूल कहते हैं। माइंड मैप बेहतर सोचने और मस्तिष्क की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी प्रणाली है। तो फ्रेंड्स आप भी अपनी पढ़ाई के लिए माइंड मैप का यूज करें और आप इस टूल का यूज करने के लिए आप जो हमारा जो वीडियो है माइंड मैप वाला वीडियो उसको अच्छे से देखें, जिससे आप इस टूल का अपनी पढ़ाई में यूज कर सको। फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिक्स्थ, जिसमें हम डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 03 के बारे में सीखते हैं। फ्रेंड्स इस टॉपिक में हम MS वर्ड प्रोसेसर की टूल का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करते हैं, हमारे पेज में डिजाइन देते हैं और हम हमारे एप्लीकेशन वगैरह लिखने के लिए या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हम MS वर्ड टूल का यूज करते हैं। फ्रेंड्स इस टूल को अच्छे से समझने के लिए, MS वर्ड सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझने के लिए फ्रेंड्स हमने आपको ऑलरेडी 6 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं
और इसके अलावा आपको दो वीडियो में कुल 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। फ्रेंड्स आप उन सभी 8 वीडियो को अच्छे से देख लें जिससे आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो सके। दोस्तों इन वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर भी अवेलेबल है और वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप इन वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक अवेलेबल है आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें फ्रेंड्स कुल 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने में मिलते हैं। आप इन सभी पॉइंट्स को अपनी कंप्यूटर के होमवर्क की कॉपी में लिख लें और इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लें क्योंकि ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स याद रखने में फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करने से पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। किसी भी वर्ड को सर्च या बदलने के लिए हम फाइंड या रिप्लेस टूल की मदद से आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स फाइंड या रिप्लेस के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+F। कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं फ्रेंड्स? Ctrl+F। वर्ड प्रोसेसर फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर की आपको डेफिनेशन दी गई है। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट दे सकते हैं। फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बारे में फ्रेंड्स हमने हमारे वीडियोज में बहुत ही अच्छे से समझाया। हमारी वीडियोज में हमने मैक्रो लगाना, ठीक है, वाटरमार्क लगाना, अलाइनमेंट्स क्रिएट करना, अलाइनमेंट्स लगाना, टेक्स्ट को बोल्ड करना, बैकग्राउंड इमेज देना, ये सभी टूल्स के बारे में फ्रेंड्स हमने बहुत अच्छे से समझाया। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें जिससे आप उन सभी वीडियो के बारे में अच्छे से जान सको, क्योंकि ये जो टूल है एमएस वर्ड ये आपके लाइफ टाइम काम में आने वाली टूल है, इसलिए आप इन टूल का अच्छे से यूज करना अभी से सीख लो। फ्रेंड्स अलाइनमेंट टूल का यूज हम हमारे टेक्स्ट लाइंस को राइट लेफ्ट या सेंटर अलाइनमेंट कराने के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड्स फिफ्थ पॉइंट है आपका बैक स्पेस। फ्रेंड्स यहाँ पर हम दो तरह की टूल यूज करते हैं, एक बैक स्पेस होती है डेटा डिलीट करने के लिए और एक होती है डिलीट टूल। अगर फ्रेंड्स आपको डेटा राइट साइड से अगर डिलीट करना है तो हम यूज करते हैं डिलीट टूल का। अगर फ्रेंड्स आपको डेटा लेफ्ट साइड से डिलीट करना है तो हम यूज करते हैं यहाँ पे बैक स्पेस टूल का। इसके बाद में फ्रेंड्स सिक्स पॉइंट है बोल्ड। फ्रेंड्स इसकी सहायता से अक्षर को गहरा किया जा सकता है और स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है, मतलब अक्षर को बोल्ड करने के लिए हम बोल्ड टूल का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट यूज होता है Ctrl+B। फ्रेंड्स सेवन पॉइंट है बुलेट्स। अगर आपको फ्रेंड्स अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एक अच्छे तरीके से आपको डिस्प्ले कराना है तो आप बुलेट्स कैटेगरी का यूज करके यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को अच्छे से डिस्प्ले करवा सकते हैं। एट पॉइंट है फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट, किसी भी विशेष एप्लीकेशन में बनाई गई फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। फ्रेंड्स नाइन पॉइंट है एग्जिट, किसी भी डॉक्यूमेंट से वर्ड प्रोसेसर से बाहर जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये मेनू बार के फाइल मेनू में उपस्थित होता है, आप वहाँ पे एग्जिट पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट से बाहर आ सकते हैं। 10 पॉइंट है फ्रेंड्स फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फ्रेंड्स फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है उसे हम कहते हैं Ctrl+G या Ctrl+F। फ्रेंड्स फाइंड एंड डायलॉग बॉक्स की हेल्प से हम हमारे अक्षर को फाइंड कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, और जिन अक्षरों को या शब्दों को हमें रिप्लेस करना है उनको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है 11 फॉन्ट। फॉन्ट से हम अपने शब्दों या उसके अक्षरों का कलर, साइज या स्टाइल बदल सकते हैं। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है 12 फॉर्मेटिंग टूल बार। फ्रेंड्स ये टूल बार हमारे होम मेनू में अवेलेबल होती है। फ्रेंड्स फॉर्मेटिंग टूल बार की हेल्प से हम हमारे फॉन्ट का टाइप बदल सकते हैं, उसमें स्टाइल दे सकते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट करवा सकते हैं, पेज में बैकग्राउंड बदल सकते हैं, उसमें अच्छे से टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, डिजाइंस दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स फॉर्मेटिंग टूल बार का हमारे वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट्स फाइल में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है 13 इटैलिक। फ्रेंड्स टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करने के लिए हम इटैलिक टूल्स का यूज करते हैं। इटैलिक टूल्स के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+I। वहीं फ्रेंड्स टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+L। ये जो टेक्स्ट लाइंस होती है उनको लेफ्ट में अलाइनमेंट कराता है, वहीं राइट अलाइनमेंट में फ्रेंड्स ये राइट अलाइनमेंट करवाता है, और सेंटर अलाइनमेंट में फ्रेंड्स जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो हमारी लाइन होती है उसको सेंटर अलाइनमेंट कराने के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड्स मेनू बार में मेनूज होती है और उनको आदेशों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास रूलर्स भी होते हैं, ये फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे बाईं ओर होते हैं। इस टूल की हेल्प से हम पेज को मर्जिंग कर सकते हैं, अपना पेज जो होता है उसका मर्जिंग सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगला है 19 स्क्रोल बार। स्क्रोल बार की हेल्प से फ्रेंड्स हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, नीचे से ऊपर कर सकते हैं और ऊपर से नीचे कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स 20 पॉइंट है टैब्स। टैब्स की हेल्प से फ्रेंड्स हम एक पैराग्राफ के टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए टैब्स का प्रयोग करते हैं। टाइटल बार
पर फ्रेंड्स वर्तमान जो डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम दिखाई देता है, अंडरलाइन। फ्रेंड्स टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+U। इसकी हेल्प से फ्रेंड्स हमारा जो टेक्स्ट होता है, जो हमारी लाइन होती है, उसके नीचे एक लाइन क्रिएट हो जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है 23 व्यू। व्यू एक मेनू बार में अवेलेबल एक ऑप्शन है। फ्रेंड्स वर्ड प्रोसेसर में हम हमारा जो पेज होता है उसको चार तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, ऑनलाइन लेआउट व्यू और आउटलाइन व्यू। फ्रेंड्स ये सभी व्यू की कैटेगरी है। इसके हेल्प से हम हमारे पेज को व्यू कर सकते हैं और इजीली एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स सेकंड लास्ट पॉइंट है 24 कर्सर। कर्सर फ्रेंड्स माउस की जो करंट लोकेशन होती है, जो माउस का जो पॉइंटर होता है उसकी लोकेशन शो करता है। और लास्ट पॉइंट है 25 होम पेज। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो पहला पेज होता है फ्रेंड्स उसको हम होम पेज कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन सभी 25 पॉइंट्स को आप अपनी कंप्यूटर के होमवर्क की कॉपी में लिख लें और जो वर्ड प्रोसेसर के जो सभी 8 वीडियो हैं उनको आप आवश्यक रूप से देख लें, जिससे आपका ये कोर्स, ये सिलेबस, ये टॉपिक अच्छे से कवर हो सके। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 7, जिसमें हम ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में सीखते हैं। फ्रेंड्स इस फीचर्स को सीखने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं उसका नाम है Audacity 2.1.2 वर्जन। फ्रेंड्स इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा दिया है। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से फ्रेंड्स हम हमारी वॉइस को अलग अलग तरीके से उसको एडिटिंग कर सकते हैं, उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, उसमें नॉइस कैंसिलेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स Audacity एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के लास्ट में अपनी प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप अपनी प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं याद रखे पॉइंट्स। इसमें कुल 5 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ये सभी 5 पॉइंट्स आप अपने कंप्यूटर के होमवर्क की कॉपी में लिख लें। फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट है, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए आप रिकॉर्ड बटन का प्रयोग करें। अगर आप अपनी आवाज़ में किसी भी स्टोरी को रिकॉर्ड करते हुए स्टोरी की कुछ लाइंस भूल जाते हैं तो आप स्टॉप बटन की मदद से उसे स्टॉप करके अपनी स्टोरी को फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट है, रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को हम प्ले बटन की मदद से सुन सकते हैं। Audacity की सहायता से हम ऑडियो कॉपी कट कंबाइन भी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड आवाज़ को हम हेडफोन या ईयरफोन द्वारा भी सुन सकते हैं। फ्रेंड्स आप इन सभी 5 पॉइंट्स को अपने कंप्यूटर की होमवर्क की कॉपी में लिख लें और Audacity सॉफ्टवेयर की अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारी क्लास का 8th चैप्टर है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को समझने के लिए हमने गूगल अर्थ टूल्स का यूज़ किया है। फ्रेंड्स आप इस टूल को अच्छे से समझने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या फिर अपनी क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर आप गूगल अर्थ वाली वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें, जिससे आपको गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर की कंप्लीट जानकारी मिल सके। आइए फ्रेंड्स इस चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उनको देख लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर याद रखने में कुल 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको अपने कंप्यूटर के होमवर्क की कॉपी में लिख लें। फर्स्ट पॉइंट है, गूगल अर्थ का प्रयोग करने के लिए इंटरनेट आवश्यक है। साधारण ग्लोब की तुलना में गूगल अर्थ में किसी भी स्थान को ढूंढना बहुत आसान है। किसी स्थान का पता कंप्यूटर जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भौगोलिक निर्देशांक की मदद से किया जा सकता है। किसी स्थान का स्ट्रीट व्यू उस स्थान अथवा वहाँ की बिल्डिंग की 360 डिग्री इमेज देखने में मदद करता है। फ्रेंड्स आप इन सभी पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिख लें और फ्रेंड्स इन सभी 8 चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं, जो कि आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप उन वीडियो को देख लें और इस वीडियो में जो भी आपको कंटेंट दिया गया है उसे आप अपने कंप्यूटर की कॉपी में लिख लें और अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि इनके बाहर से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे बाकी बच्चों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें। फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।